हाँ, इस सवाल में जो है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था आज चीज ट्रिक, वो इस सवाल में है। पहले आप इसको पढ़ें बहुत ध्यान से, मजा आ जाएगी आपको आज इस सवाल की ट्रिक को सीखकर। गुल्लू बाबू 1/3 दे रहे थे। नहीं भाई, गुल्लू 1/6 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। ठीक, देखो जैसे निर्देशांक ज्यामिति का ये जो सवाल है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस सवाल में आपको करने के लिए फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि फॉर्मूला अगर आपको याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्लास कभी शुरू होती है? क्लास 4 बजे से शुरू होती है। 2 बार बोल चुके हैं, तीसरी बार पंजाबी में पूछा है तुमने। ठीक है, अब जरा समझो कि इस क्वेश्चन को करने का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसको क्या करना है। जैसे इसमें 3 कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, पहला है 1, 2, दूसरा है -4, -3। बहुत ध्यान से देखना और इसको नोट कर लेना मेरे भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और तीसरा है 4, 1। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन तीनों कोऑर्डिनेट में किसी भी तीनों निर्देशांक में एक को आप 0 बना लो। बोले सर कैसे बनाएं? हमने कहा एक को 0 बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा इसको 0 बनाना है तो इसमें 1 घटा दिया, इसमें 2 घटा दिया, तो 1 में से 1 0 और 2 में से 2 0। ये देखिए 0, 0 हो गया। अब जो आपने इसमें घटाया वही सब में घटाइए, -1, -2, फिर यहां पे -1, -2। गौर करना भाई मेरी बात बहुत ध्यान से। -4, -1 तो ये बनेगा -5, -2, -3, -2 ये भी बनेगा -5। गौर करो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, बार बार कह रहा हूं। ये क्या बनेगा? 4 में से 1 घटाओगे तो ये 5 बनेगा। क्या बने? सॉरी 3 बनेगा, घट जाएगा ना 3 प्लस का, और यहां पर क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। बोले हाँ सर, इतनी बात में किसी को कोई डाउट नहीं है? बोले नहीं है सर, जो 0 बन गया था उसको मत देखिएगा, उसका काम खत्म है। ठीक, अब इसमें बाहर का बाहर गुणा करिए, अंदर का अंदर गुणा करिए। -5 × -1 प्लस का 5, -5 × 3 माइनस का 15। इन दोनों का अंतर लेकर 2 से विभाजित कर दीजिए, उत्तर आ गया। अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -15 और ये माइनस साइन प्लस, यानी कि 20/2, और 20/2 का मतलब 10 आ जाएगा, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो, बहुत अच्छी बात बताई मैंने आपको जीवन में। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक, इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई। ठीक है, अगर 3 निर्देशांक दिए हैं और उससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए तो आप इसका इस्तेमाल करिए, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और, अगर ये माइनस में भी आता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये।